जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक परिवार की तरह काम करता है। इसमें चाहे हमारे सफाई साथी हों, ऑफिशियल्स हों, ऑफिसर्स हों, पार्षद हों, कमिश्नर हों और मेयर हों, सभी एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो हम सब एक दूसरे की बड़ी चिंता करते हैं, उसी चिंता के पायदान पर कुछ लोग हमारे ऐसे थे जिन्होंने 2014 में यहाँ एनरोलमेंट करा था, लेकिन अभी तक वो परमानेंट नहीं बने थे। तो उनका परमानेंट करने के लिए कल हमने नोटिस जारी कर दिया है जिसमें ऑब्जेक्शंस कॉल की हैं, उनका परमानेंट होने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। तो अब वो परमानेंट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके लिए हमारे पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी और अभी वर्तमान में जो मेरे चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर हैं बलोरिया जी, चेयरमैन राजकुमार तरखान जी, हरदीप मनकोटिया जी, अजय गुप्ता जी और सभी पार्षद, ये सबको बधाई है। और सबसे बड़ी बधाई है इन सभी एम्प्लॉयज को जिनके घरों में खुशी की लहर आ गई है और उनको अच्छा लग रहा है कि हम परमानेंट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा एक सुहावना सा समय होता है जब परिवार वाले और जो एम्प्लॉयज, उनको लगता है कि हमें कोई पूछने वाला है, हमारे लिए कोई काम करने वाला है। तो इन सब को मैं बधाई देता हूँ कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपको बधाई देती है और साथ में ये भी आश्वासन देती है कि हम हर वक्त अपने सफाई साथी, ऑफिशियल, अधिकारी इन सब के साथ खड़े हैं और आप सबके हित यहाँ सुरक्षित है और हम एक परिवार बन के काम करें, यही मेरा सबसे आह्वान है। 600 के करीब ये होगा, अभी 539 का ये परमानेंट का ऑर्डर आएगा और बाकी जो लोग हैं कुछ एसआरओ के हैं, तो टोटल मिला के 600 पोस्ट हैं जो अभी ये परमानेंट हो जाएंगी। बहुत बड़ा फैसला है ये और अभी आए हुए हमें महीना ही हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं जो हुई हैं। तो इस गति से हम सब लोग काम कर रहे हैं, सभी पार्षद, और उन्होंने सबने ये ठाना हुआ है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं जम्मू की, डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और हमारे लिए कोई और सोच नहीं है। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला, आपको कोई भी ऐसा केस नजर आता है आप मेरे पास लाइए ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। और दूसरी बात यह है, कई बार कुछ चीजें हम भी किसी से छुपा देते हैं अपनी ही कमियों के कारण, तो बाद में हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो चीजें भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी केस लाते हैं जिसमें तथ्य होगा, एक्शन जरूर होगा उस पर। कचरा उठाने वाले जो मुलाजिम है उनके पास नहीं है, दस्ताने नहीं है, जिस तरह से वो गंदगी उठाते हैं और किसी समय भी बीमारी बीमार होने का डर रहता है, ऐसे में उनको क्यूमेंट देना बहुत जरूरी है, क्या करेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैंने भी बहुत बार ये प्रश्न उठाए हैं पहले। इनको ग्लव्स और लॉन्ग शूज वो इनके पास होने चाहिए, तो हम आगे प्रावधान रखेंगे कि इनको ग्लव्स मिले और वो शूज मिले। लेकिन ये देने की जिम्मेवारी जो होती है, जो लोग परमानेंट नहीं है एनजीओज के हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है, उन्होंने उनको ये प्रोवाइड करने होते हैं। तो अब हम ये भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करेंगे कि उनको क्यों नहीं मिले हैं, जो परमानेंट की है वो जिम्मेवारी हमारी है। हम भी इसका प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि ग्लव्स और इनको शूज दिए जाए और यूनिफॉर्म। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, उसके लिए आपको कोई जिम्मेवारी लेनी चाहिए? हमने जिम्मेवारी ले रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में इसका प्रावधान भी हम करेंगे। यूनिफॉर्म हमने दे दी है, अब उस
एक अगर एक जगह काम करते हैं वही लेबर जो है वो शाम को दूसरी जगह जाती है। आज अगर बालम ब्रेक की अगर बात करें, खासकर परिस्थिति की बात करें, पिछले 4-6 दिन से वहाँ पर काम अभी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं, वहाँ काम अभी हमने रोका है क्योंकि कई लोगों को वहाँ ऑब्जेक्शन हैं और हम तो लोगों के लिए यहाँ आए हैं, और किसी को ऑब्जेक्शन होता है उसको हमने सुनना होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैंने उनसे कल मीटिंग भी की थी, हम सब लोग बैठे थे, तो वो क्योंकि उनसे मीटिंग चल रही है, वार्तालाप का सिलसिला चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ हॉल्ट किया हुआ है हमने। ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे ट्रेडर जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि हमें फुटपाथ नहीं चाहिए, हमारी जगह पहले से बहुत कम है, अगर फुटपाथ बना देंगे तो हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि ये पुराने पुराने जो है ओल्ड सिटी पुराना बाजार है वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ जो है स्मार्ट सिटी की वो कहते हैं हम नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे व्यापार पे फर्क पड़ता है। उन्हीं के साथ मेरी कल मीटिंग थी, हम बैठे हैं, उनकी ऑब्जेक्शन हमने लिखी हैं, अब माननीय पार्षदों से बात हो रही है वहाँ, और बाकी जो हमारे लोग हैं अधिकारी हैं उनसे भी हमारा विचार विमर्श चल रहा है, जो भी होगा मिल बैठ के होगा और फैसला अच्छा ही होगा।